अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ओके, अब हम पढ़ते हैं मैथ स्टेप 4। तो कल हमने इसका पढ़ा था, इसमें पेज नंबर 6 पढ़ा था, ठीक है। पेज नंबर 6, द होल नंबर अप टू 100,000, ठीक है। ये सारा कल हमने मैंने आपको समझाया था, तो यकीनन आपने इसको पढ़ा होगा और इसको समझा होगा। तो अब आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। पेज नंबर इसकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 11, एक्सरसाइज नंबर 1.1 एक्सरसाइज। और ये जो आप एक्सरसाइज है ये आपने अपनी बुक में ही सॉल्व करनी है। कुछ एक्सरसाइज आपने अपनी बुक में सॉल्व करनी है और कुछ अपनी नोटबुक में। तो अब हम उसको देखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर अप टू 100,000, ठीक है। अब यहाँ देखें, देयर इज माई पेंसिल, ओके। यहाँ देखें लिखा हुआ है 330,513, यानी कि इसको हमने क्या करना है, इस एक्सरसाइज में क्या सवाल दिया हुआ है, सर्कल द करेक्ट प्लेस वैल्यू, यानी जो प्लेस वैल्यू सही जो है वो इसे जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके साथ जो सही प्लेस वैल्यू इसकी जो आ रही है, जो वैल्यू इस पूरे जो है नंबर्स के साथ, यानी इस वर्ड्स के साथ, इस पूरे सेंटेंस के साथ जो बिल्कुल सही मैच कर रहा है उसके साथ, वो आपने उसको टिक करना है या सर्कल करना है, ठीक है। थ्री क्या लिखा हुआ है, 330,513। तो कल मैंने आपको समझाया था, हम इसको यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखें, एक नंबर दिया हुआ है 592,053। तो यहाँ से देखेंगे इस तरफ से, थ्री हमारे किसके बराबर है, 1, 5 किसके बराबर है, 10, 0 किसके बराबर है, 100, ठीक है। 2 किसके बराबर है, 1000, 9 किसके बराबर है, 10,000, एंड 500,000, अब वो यहाँ पर हमें कह रहा है कि आपने ये पूरा पढ़ना है 330,513। इसके इक्वल यानी इसके बराबर इन तीनों ऑप्शन में ऐसी कौन सी वैल्यू है उसे आपने सर्कल करना है। यहाँ देखिए दिया नज़र आ रहा है आपको, शुरू में दिया हुआ है 335,000 and 30, 335 and 30, 335 and 30, यानी इसमें बिल्कुल आगे पीछे कुछ में। अब इसके बिल्कुल एक्यूरेट जो कौन सा आ रहा है इसमें नंबर, देखते हैं 330,000। अब यहाँ देखिए 330,000 किधर लिखा हुआ है, 330,000, और यहाँ 530, तो 530, तो ये पूरा जो रकम है ये बिल्कुल इसके इक्वल आ रहा है। तो देन हम इसे जो है वो कर देंगे टेक या सर्कल। देन इसी तरह से सेकंड 554,101। अब इसमें आपने देखना है तीनों ऑप्शन में कौन सी ऐसी रकम है जिसमें 550,101 आ रहा है। तो इन तीनों में आपने अच्छी तरह से गौर करके देखना है और फिर इसको सर्कल करना है। तो देन आपने ये पूरी एक्सरसाइज, ठीक है, ये आपने इसी तरीके से आपने इसे लिखना है, यानी इसको क्रॉस या टिक लगाना है, और देन इस पर आपने इस पर डेट डालनी है, ठीक है। जिस डेट डालनी है, क्या डेट है आज, 3 अप्रैल, 3 अप्रैल की डेट डालकर आपने ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। देन इसे अपने घर वालों को चेक कराना है कि आया आपने ये ठीक लिखा है, या अगर कोई तो मिस्टेक होती है तो आप इसे करेक्शन कर ले, ठीक है। लेकिन आपने ये काम पेंसिल से यहाँ पे करना है, बुक में आपने जितना भी वर्क करना है वो आपसे पेंसिल से करना है, ताकि अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देन अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।